गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल स्टार्ट रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 5 रॉक्स एंड मिनरल्स. सो टेक आउट योर बुक पेज नंबर 43. टेक आउट योर बुक. दिस लेक्चर इज फॉर लिसन, नॉट फॉर राइट. ओके, सो ऑनली लिसन टू मी प्रॉपरली. फर्स्ट इज सेडिमेंट्री रॉक. इन प्रीवियस क्लासेस आई एक्सप्लेन इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव एंड ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस एंड ऑब्सिडियन. सो टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक. सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंट्री रॉक? सैंड, क्ले एंड रॉक फ्रेगमेंट आर कैरिड बाय विंड एंड वाटर. जब सैंड, क्ले और रॉक के जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं, वो एयर यानी विंड, बहुत तेज हवा के रूप में, हवा से या वाटर से जब कैरिड आउट, कैरिड बाय यानी हवा के द्वारा एक वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे आ जाते हैं और इनटू वाटर बॉडीज, और जब वाटर बॉडीज़ में चले जाते हैं दे सिंक टू द बॉटम एज सेडिमेंट, और बॉटम में जाके वो एक वन लेयर के ऊपर अदर लेयर, फिर अदर लेयर, फिर अदर लेयर, फिर एक और लेयर, ऐसे लेयर बाय लेयर जमते जाते हैं. और जब ऊपर वाली लेयर, जो टॉप लेयर है, उसका जब प्रेशर पड़ता है बॉटम लेयर पे, तो ये बॉटम लेयर्स जो है वो एक दूसरे से जुड़ जाती है, टुगेदर जॉइंट टू ईच अदर एंड मेक अ सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट का फॉर्मेशन होता है. सो लिसन प्रॉपरली. सैंड, क्ले एंड रॉक फ्रेगमेंट्स आर कैरिड बाय विंड वाटर इनटू वाटर बॉडीज, दे सिंक टू द बॉटम एज सेडिमेंट. बॉटम में जो कन्वर्ट हो जाता है एक दूसरे से जॉइंट होके, वो सेडिमेंट कहलाता है. द लेयर ऑन द टॉप कंप्रेस द बॉटम लेयर. टॉप का जो लेयर है वो कंप्रेस करता है बॉटम की लेयर को, ना दबाता है. एंड बाय कंटिन्यूस प्रेशर ओवर 1000 ईयर्स, यानी कंटिन्यूस प्रेशर लगता रहता है, और 1000 ईयर्स यानी कई हजारों साल के बाद जब बॉटम लेयर एक दूसरे से जुड़ने लगती है, तो विच हार्डन टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक, उससे सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है. सो टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिवाइडेड इनटू कॉग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन. ओके, सो सेडिमेंट्री रॉक, अंडरस्टैंड व्हेन सैंड एंड क्ले, सैंड, क्ले एंड रॉक फ्रेगमेंट कैरीड बाय विंड एंड वाटर इनटू वाटर बॉडीज. वाटर बॉडीज मीन्स सी या रिवर, पॉन्ड, वो सोर्सेज ऑफ वाटर. ओके, सो वाटर बॉडीज में चले जाते हैं एंड बाय द कंटिन्यूस प्रेशर ओवर 1000 ईयर्स, यानी बहुत सालों तक प्रेशर लगता रहता है उस लेयर बाय लेयर पे, और जब टॉप लेयर का प्रेशर बॉटम लेयर पे लगता है, तो बॉटम लेयर की जो 2-3 या कई सारी लेयर्स है वो एक दूसरे से जॉइंट हो जाती है, और जॉइंट होकर सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करती है. एंड टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, शेल एंड लाइमस्टोन. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट कॉन्ग्लोमेरेट मेडअप ऑफ लिसन फर्स्टली मेडअप ऑफ लार्ज राउंडेड रॉक्स फ्रेगमेंट, यानी ये कॉन्ग्लोमेरेट मेडअप ऑफ लार्ज राउंडेड
फ्रेगमेंट रॉक्स रॉक फ्रेगमेंट्स द रॉक फ्रेगमेंट आर सीमेंटेड, यानी रॉक्स ये जो रॉक फ्रेगमेंट है राउंडेड फ्रेगमेंट रॉक्स ये एक दूसरे से सीमेंटेड होते हैं किसके द्वारा, यानी एक दूसरे से जुड़ते हैं बाय सैंड एंड मिनरल्स एंड राउंडेड फ्रेगमेंट रॉक फ्रेगमेंट्स आर सीमेंटेड बाय सैंड एंड मिनरल्स, सैंड और मिनरल्स से होता है ये सैंड एंड मिनरल्स। ओके इट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, इसको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज सैंड स्टोन कॉन्ग्लोमेरेट, अंडरस्टैंड है इट इज़ मेडअप ऑफ राउंडेड रॉक फ्रेगमेंट एंड राउंडेड रॉक फ्रेगमेंट आर सीमेंटेड बाय सैंड एंड मिनरल्स एंड इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। सेकेंड वन इज सैंड स्टोन, सैंड स्टोन क्या होता है, सैंड स्टोन्स मेड अप ऑफ सैंड ग्रेन्स, सैंड ग्रेन्स यानी क्या होता है मिट्टी या रेत, जो ये सैंड ग्रेन्स से बना होता है, इट इज़ कंपोज मोस्टली ऑफ क्वार्ट्स, ये क्वार्ट्स एक क्वार्ट इज अ टाइप ऑफ स्टोन, एक स्टोन का टाइप है उससे बना हुआ होता है, इट इज़ सॉफ्ट स्टोन, ये एक सॉफ्ट स्टोन होता है एंड इट रेजिस्टेंस टू सेलाइन एयर, सेलाइन मीन्स मॉइस्चर एयर, ये मॉइस्चर यानी इसमें ठंडी हवा का भी कोई असर नहीं होता है, सेलाइन एयर का कोई असर नहीं होता है एंड इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंस ऑफ हीट, ये हीट का भी रेजिस्टेंट होता है, इस पर हीट का भी कोई असर नहीं होता है एंड रेड फोर्ट कुतुब मीनार एंड अंकोर वाट आर सम फेमस मॉन्यूमेंट बिल्ड विथ सैंड स्टोन, सो सैंड स्टोन अगेन सैंड स्टोन मेड अप ऑफ सैंड ग्रेन्स से बना हुआ होता है, सैंड ग्रेन्स मीन्स रेत या मिट्टी। ओके सेकेंड वन इज इट इज कंपोज्ड मोस्टली, इट इज कंपोज्ड मोस्टली ऑफ क्वार्ट्स, क्वार्ट्स से बना हुआ होता है एंड इट इज सॉफ्ट स्टोन, ये सॉफ्ट स्टोन है, इट इज रेजिस्टेंट टू सेलाइन एयर, सेलाइन मीन्स ब्रैकेट में लिख लीजिए मॉइस्चर, सेलाइन एयर का भी कोई असर नहीं होता है इस पर, सेलाइन एयर के लिए प्रतिरोधक यानी रेजिस्टेंस होता है, इट इज़ ऑल्सो रेजिस्टेंट टू हीट, ये हीट का भी रेजिस्टेंस होता है एंड रेड फोर्ट कुतुब मीनार एंड अंकोर वाट आर द फेमस मॉन्यूमेंट बिल्ड विथ सैंड स्टोन, ये भी सैंड स्टोन से ही बने होते हैं रेड फोर्ट कुतुब मीनार और अंकोर वाट। ओके एंड नेक्स्ट इज शेल इज मेड अप ऑफ हार्डन लेयर ऑफ वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ क्ले एंड सिल्ट, ये शेल जो है वो क्ले और सिल्ट का हार्डन पार्ट है मिक्स, तो हार्डन पार्ट ऑफ क्ले एंड सिल्ट फॉर्म शेल, हार्डन लेयर ऑफ क्ले एंड सिल्ट फॉर्म शेल,
शेल का फॉर्मेशन होता है क्ले और सिल्ट के हार्डन लेयर से, एंड इट इज़ यूज टू मेक सीमेंट एंड ब्रिक। इससे सीमेंट और ब्रिक, ब्रिक मीन्स ईंट, ईंट और सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। इट इज यूज्ड टू मेक सीमेंट एंड ब्रिक्स, ओके। एंड लास्ट लाइमस्टोन। लाइमस्टोन मेन मिनरल ऑफ लाइमस्टोन्स इज कैल्साइट। इसका मेन मिनरल्स क्या हैं? मेन मिनरल वन टाइम मेन मिनरल ऑफ लाइमस्टोन इज कैल्साइट, CalCite। कैल्साइट इसका मेन मिनरल्स होता है। चौक इज सॉफ्ट लाइमस्टोन। चौक जो जिसे हम बोर्ड पे लिखते हैं वो भी एक लाइमस्टोन का एग्जांपल है, जो कि सॉफ्ट लाइमस्टोन है। चौक इज सॉफ्ट लाइमस्टोन। एंड थर्ड पॉइंट इज लाइमस्टोन इज इजी टू कट इनटू ब्लॉक्स। उसको इजीली कट कर सकते हैं हम ब्लॉक्स के रूप में। एंड कॉम्प्लेक्स कार्विंग आल्सो बी डन ऑन इट। यानी कॉम्प्लेक्स कार्विंग का वर्क भी इसी के द्वारा होता है। कॉम्प्लेक्स कार्विंग मीन्स मूर्ति बनाना, मूर्ति तराशी जाती है ना जैसे, वो भी लाइमस्टोन पे की जा सकती है। एंड इट इज़ यूज टू मेकिंग रोड्स, बिल्डिंग एंड इन मैन्युफैक्चर एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। यानी इससे रोड, बिल्डिंग भी बनाए जाते हैं, ओके। सो लाइमस्टोन इज मेन मिनरल्स ऑफ लाइमस्टोन इज कैल्साइट, सेकेंड वन इज चौक इज सॉफ्ट लाइमस्टोन, एंड थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स कार्विंग आल्सो बी डन ऑन इट्स, एंड इट इज़ यूज टू मेकिंग रोड एंड बिल्डिंग ऑल्सो, ओके। थैंक यू।